एएसएफ की मुल्तान एयरपोर्ट पर कार्रवाई, बैरून मुल्क करेंसी स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। मुसाफिर से 52,000 यूएई दिरहम और 40,000 पाकिस्तानी रुपए बरामद किए गए। मुसाफिर साबिर हुसैन करेंसी शारजा स्मगल करना चाहता था। एएसएफ का ऐसा बताना है, मुसाफिर ने करेंसी अपने सामान में छुपा रखी थी। मुल्जिम को मजीद कार्रवाई के लिए कस्टम के हवाले कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, एएसएफ की मुल्तान एयरपोर्ट पर यह बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बैरून मुल्क करेंसी स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। मुसाफिर से 52,000 यूएई दिरहम और 40,000 पाकिस्तानी रुपए बरामद हुए हैं। मुसाफिर साबिर हुसैन करेंसी शारजा स्मगल करना चाहता था। एएसएफ हुकाम का ऐसा बताना है, मुसाफिर ने करेंसी अपने सामान में छुपा रखी थी। एएसएफ की मुल्तान एयरपोर्ट पर कार्रवाई, बैरून मुल्क करेंसी स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। मुसाफिर से 52,000 यूएई दिरहम और 40,000 पाकिस्तानी रुपए बरामद किए गए। मुसाफिर साबिर हुसैन करेंसी शारजा स्मगल करना चाहता था। एएसएफ का ऐसा बताना है, मुसाफिर ने करेंसी अपने सामान में छुपा रखी थी। मुल्जिम को मजीद कार्रवाई के लिए कस्टम के हवाले कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, एएसएफ की मुल्तान एयरपोर्ट पर यह बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बैरून मुल्क करेंसी स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। मुसाफिर से 52,000 यूएई दिरहम और 40,000 पाकिस्तानी रुपए बरामद हुए हैं। मुसाफिर साबिर हुसैन करेंसी शारजा स्मगल करना चाहता था। एएसएफ हुकाम का ऐसा बताना है, मुसाफिर ने करेंसी अपने सामान में छुपा रखी थी।